टेटिनॉइड स्टार्ट करना इट्स अ गेम चेंजर, बट आई विश कि मुझे ना ये 7 जो चीजें हैं, 7 लेसेस जो है, मुझे पहले पता होते टेटिनॉइड यूज करने से पहले. प्लगिंग हो या बेस्ट मॉइस्चराइजर हो, सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि मैंने टेटिनॉइड की जर्नी में क्या क्या चीजें सीखी हैं. और मुझे काश ये सारी चीजें पता होती और जो चीजें मैंने हैंडल की हैं शायद मुझे पहले पता होती किस तरीके से हैंडल करनी है. बट मैं आपको सारी चीजें यहाँ डिटेल में बताऊंगी. अगर आप टेटिनॉइड यूज करना चाहते हो या यूज कर रहे हो ना, सो डेफिनेटली ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी और मेरी मिस्टेक से आप सीख सकोगे कि आपको क्या नहीं करना चाहिए और किस टाइम पे क्या चीज करनी चाहिए. आज मैं आप लोगों को जो 7 लेसन अपने बताऊंगी जो टेटिनॉइड की जर्नी में मुझे मिले, उससे ना आपका एक्सपीरियंस ज्यादा स्मूथ हो जाएगा, ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कैसी आपकी टेटिनॉइड की जर्नी रहेगी. सो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है. इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ वीडियो जो है शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी सच वीडियोस के लिए. हेलो ब्यूटीज, मेरा नाम है अनमोल और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है. इंडियन यूट्यूबर अनमोल, मैं वीडियोस बनाती हूँ स्किन केयर के रिलेटेड और प्रोडक्ट्स के रिव्यूज, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर ऐसी वीडियोस आप लोगों को पसंद है तो. चलो हम लोग बात कर रहे हैं आज टेटिनॉइड की, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किस तरीके से टेटिनॉइड के इनिशियल ब्रेकेज और इचीनेस एंड इरिटेशन को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए. मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ अपनी ही. जब मैंने टेटिनॉइड यूज करना से पहले स्टार्ट किया था ना, तो मैंने जितनी अपनी रिसर्च की थी या जितना कुछ किया था, थोड़ा बहुत डॉक्टर से भी मैं स्टार्टिंग में मिली थी, बट इट्स रियली वेरी एक्सपेंसिव. तो मैंने डॉक्टर से कुछ ही अपने विजिट्स किए थे और उसके बाद मैंने खुद से इसकी डीप स्टडी स्टार्ट कर दी थी. और ये बहुत पुरानी मैं बात कर रही हूँ, जब सबसे पहले मुझे एक्ने पिंपल्स हुए थे, वर्स्ट कंडीशन वाले, ठीक है. तब जो है मुझे, मतलब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करना बंद कर दिया था और खुद की मैंने रिसर्च स्टार्ट की. एंड मेरी स्किन इतनी ज्यादा डैमेज हो गई थी, इतनी ज्यादा इरिटेशन हो गई थी, एंड आई वॉज नॉट मच अवेयर कि मुझे ये ब्रेकआउट्स कैसे अपने संभालने हैं, इरिटेशन को कैसे संभालना है. क्योंकि जब मुझे पिंपल्स थे और टेटिनॉइड की जर्नी जब मैंने स्टार्ट की, तो मुझे पिंपल्स जो है मेरे और ज्यादा वर्स्ट हो गए. ये टेटिनॉइड स्टार्टिंग में आपकी स्किन को वर्स्ट कर देता है. उसके लिए मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किया था जो मेरे ब्रेकआउट्स हुए थे, ठीक है ना. रात के समय मैं अपना टेटिनॉइड यूज करती थी एंड मॉर्निंग टाइम में मैं 2% साइसैलिक एसिड सीरम यूज करती थी, जिससे जो साइसैलिक एसिड है मेरे एक्ने को काम डाउन कर देता था और वो जो दर्द वाले पिंपल्स थे वो धीरे धीरे कम होने लग गए. ने स्टार्टिंग में मेरी स्किन और ज्यादा वर्स्ट की थी, इवन ब्रेकआउट्स हो गए थे और इरिटेशन हो गई थी, ठीक है. इरिटेशन को मैं कैसे स्मूथ करती थी, मोस्टली मैंने मॉइस्चराइजर यूज किया है, इवॉन का इवॉन मॉइस्चराइजर, जो मैंने आपको रिकमेंड भी किया था, ये रहा कि इवॉन का मॉइस्चराइजर मैंने ज्यादातर अपने स्किन पे यूज किया है, बिकॉज ये भी एक मेडिकेटेड है और प्योर है ये, ठीक है. इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं एड ऑन किए गए, इट्स अ फार्मेसी प्रोडक्ट. सो आई जस्ट वांटेड एट दैट टाइम, जब मेरे एक्ने पिंपल्स इतने ज्यादा वर्स्ट हो गए थे कि मैं ऑलमोस्ट डिप्रेशन में जा रही थी, सच मी ट्रस्ट मी, जिसके भी एक्ने पिंपल्स मैं देखती हूँ मुझे खुद ऐसा फील होता है कि कितना इंसान को दर्द हो रहा होगा, मतलब मेंटली कितना ज्यादा परेशान होगा वो इंसान, क्योंकि वो बाहर नहीं जा रहा है, इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ रहा है, यू नो कलर कोई भी हो बट स्किन क्लीन होनी चाहिए, इट्स रियली इम्पोर्टेंट. और ये मैंने खुद फील किया हुआ है, इसलिए मैं आज समझ सकती हूँ, ठीक है. तो मैंने ये वाला मॉइस्चराइजर ज्यादातर यूज किया है अपनी इरिटेशन को कम करने के लिए और अपने ब्रेकआउट्स को कम करने के लिए. मॉर्निंग टाइम में मैंने 2% साइसैलिक एसिड सीरम यूज किया है. ओके, नाउ यू विल आस्क कौन सा सीरम यूज किया. आप कोई भी 2% अच्छा ब्रांड का इफेक्टिव हो वो ले सकते हो. कमेंट करके मुझसे आप लोग पूछ भी सकते हो कि कौन सा अच्छा है, लिंक दे दीजिए, ठीक है, तो मैं आप लोगों को जरूर रेकमेंड कर दूंगी. ओके ओके, सेकंड चीज, टिप्स टू अवॉइड कॉमन मिस्टेक व्हाइल यूजिंग टेटिनॉइड.
सो अब मैं आप लोगों को ना टिप्स देना चाहती हूँ कि जब आप टेटिनोइड यूज करो, ऐसे कौन सी चीजें हैं जो आप मतलब ना करें तो ज्यादा अच्छा है और हम कॉमनली करते हैं। सबसे पहली चीज, जब हम टेटिनोइड यूज करते हैं ना, तो स्टार्टिंग टाइम में कईयों को प्लगिंग होती है, कईयों को पीलिंग होती है और कईयों को कुछ भी नहीं होता है। तो वो क्या कहते हैं कि मेरी स्किन में इफेक्ट नहीं हो रहा, मैं इसको रोक देता हूँ या रोक देती हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैंने स्टार्ट किया यूज करना, मुझे बिलीव करोगे 5 मंथ्स तक कोई भी पीलिंग नहीं हुई थी। सच में 5 मंथ्स तक मुझे कोई पीलिंग नहीं हुई थी। मैंने भी ये सोचा था मेरी स्किन वर्स्ट होती जा रही, मैं उल्टा काली होती जा रही हूँ, मेरे पिंपल्स वर्स्ट होते चले जा रहे हैं, अब मैं क्या करूँ, इसको रोकूं या क्या करूँ। अगर मैं इसको रोक देती तो मेरा सारा साइकिल जो इसका था ना, प्रोसीजर जो था, वो खराब हो जाता। मैंने इसको ढीटो की तरह कंटिन्यूस करती गई, करती ही चली गई। फाइनली आफ्टर 5 मंथ्स मैंने लिटिल बिट ऑफ पीलिंग देखी इसकी। बट मैं आपको बताती हूँ, ऐसा नहीं है, अगर विजिबल नहीं हो रही है पीलिंग, इट डजंट मीन कि पीलिंग नहीं हो रही है। कई बार आपको दिखती नहीं है बट वो होती है, स्किन एक्सफोलिएट हो रही होती है, आपकी फ्रेश स्किन आ रही होती है पर वो विजिबल नहीं होती है। सो जस्ट मेक श्योर कि आप आंखों में मत जाओ, ठीक है, आंखों के धोखे पे मत जाओ, वो हो रहा है, ठीक है, अपना काम ये कर रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता ये अपना काम ना करे। बस ये यूज करते हुए पेशेंस लेवल थोड़ा सा हाई रखना पड़ता है, दिल घबराता भी है इसको यूज करते हुए, बट स्टिल इट्स अ गेम चेंजर प्रोडक्ट फॉर योर स्किन, आई कैन गेट यू, बहुत अच्छा है। अब मैं आपको बताती हूँ मेरे ऐसे कौन से बेस्ट प्रोडक्ट्स रहे हैं जब मैंने टेटिनोइड यूज किया है, जो मैं पेयर करती हूँ या पहले भी करती थी। फर्स्ट वन मैंने आपको पहले बताया है, इवॉन इज माई वन ऑफ द फेवरेट, वेरी गुड। एंड सेकेंड वन विच आई ऑलवेज यूज इज दिस वन, कॉजरैक का ये स्नेल म्यूसिन है, ये मैं दिन में 2 बार यूज करती हूँ। इवन मैं इसको टेटिनोइड के साथ नाइट टाइम में भी कंबाइन कर लेती थी एंड आई रियली गॉट वेरी गुड रिजल्ट, काफी स्मूथ स्किन एंड ग्लोइंग स्किन मुझे मिल जाती थी। बट दिस इज समथिंग बिट हायर रेंज, स्किप करना चाहते हो कर सकते हो, ये काफी ज्यादा रिजनेबल है, ठीक है। एंड द सनस्क्रीन विच आई नेवर एवर फॉरगेट, 50+ SPF। तो सनस्क्रीन ऐसी थी कि मैं स्विच करती रहती हूँ, ठीक है, एज आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, मेरे पास नई नई आती रहती हूँ तो मैं स्विच करती रहती हूँ। एज सच मुझ मैंने जितनी सनस्क्रीन यूज की है, डॉट एन की, डर्मा को की, ममा अर्थ की, मुझे किसी में भी कोई भी ऐसी सच इरिटेशन या स्वेलिंग ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में सनस्क्रीन हम लगाते हैं, ये कंबाइन नहीं करते टेटिनोइड के साथ, इसलिए एज सच कोई इशू नहीं है। आप कोई भी सनस्क्रीन ले सकते हो बट 50+ SPF ही लेना है, दैट्स मैंडेटरी। अब बात करते हैं आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्यू वीक्स स्टार्टिंग के और फ्यू मंथ स्टार्टिंग के टेटिनोइड यूज करते हुए। सबसे पहली चीज बोलूंगी, आपकी स्किन बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगी एंड आपका जो इश्यू है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको हाइपर पिगमेंटेशन के लिए यूज कर रहे हो तो हाइपर पिगमेंटेशन ज्यादा विजिबल हो जाएगी, ज्यादा डार्क हो जाएगी आपके फेस पे, आपको और ब्लैक लगेगी, वो इंटेंस लगेगी। अगर एक्नेस के लिए यूज करो तो एक्नेस और बढ़ जाएंगे, ब्लैक हेड्स और बढ़ जाएंगे, व्हाइट हेड्स और बढ़ जाएंगे, मतलब जो भी इशू है ना आपका, वो स्टार्टिंग फ्यू वीक और फ्यू मंथ वो ज्यादा एक्सट्रीम लेवल के हो जाएंगे, जिससे आप डर भी जाओगे। पर वही चीज है, वहां पे डरना नहीं है, रेगुलर कंटिन्यू यूज करते रहना है, ये मेन चीज है, ठीक है, पेशेंसली यूज करते रहना। सेकेंड चीज रहेगी कि स्किन बहुत ज्यादा आपकी डार्क हो जाएगी। मेरी तो बिलीव नहीं करोगे, 2 टोन तक डार्क हो गई थी जब ये यूज किया था एंड मुझे सबने बोला, मेरे घर पर सबने मुझे बोला तेरी स्किन बहुत डार्क होती जा रही है, या तो कुछ खा ही नहीं रही है या तेरे अंदर वीकनेस हो रही है इसलिए तेरी स्किन डार्क हो रही है। सो मुझे इस तरीके के कमेंट्स मिले थे, बट प्लीज इग्नोर ईच एंड एवरी कमेंट, फोकस ऑन योर स्किन ट्रीटमेंट विद टेटिनोइड, दैट्स इट, मैं इतना ही बोलूंगी। मैं बहुत फोकस्ड रही थी कि कुछ भी हो जाए मैं इसको रेगुलर यूज करूंगी, मैंने बहुत डीप स्टडीज की थी एंड मुझे इसके रिजल्ट्स मिले डेफिनेटली। सो फ्रेंड्स, हमने इतनी सारी चीजें आज समझी हैं इस वीडियो के अंदर कि जब आप ब्रेकआउट्स हो या इरिटेशन हो आपने किस तरीके से हैंडल करना है,
इनिशियल डेज या इनिशियल वीक मंथ में आपको किस तरीके के स्किन इश्यूज देखने को मिलेंगे, कौन से ऐसे कॉमन मिस्टेक्स है जो हम अवॉइड कर सकते हैं वाइल यूजिंग टेटिनोइड, और कौन से ऐसे बेस्ट प्रोडक्ट्स है जो मैंने हमेशा कंबाइन किए हैं या पेयर किए हैं टेटिनोइड के साथ। तो ये सारी चीज़ें हमने आज कवर की हैं इस वीडियो के अंदर। आई होप ये वीडियो आप लोगों को क्लियर हुई होगी, और अगर कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इन केस आप टेटिनोइड यूज कर रहे हो तो कमेंट करना कि यस मैं टेटिनोइड की जर्नी में हूँ, एंड कोई भी इशू हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट पे पूछ सकते हो, मैं हर एक कमेंट का रिस्पॉन्स कर रही हूँ, एंड आई लव टू रिस्पॉन्स टू यू ऑल, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। मैं मिलती हूँ अपनी एक नेक्स्ट न्यू वीडियो में, टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।